इंग्लैंड में अभी राजनीतिक उलट पुलट हो रही है। इसका कारण है अभी हाल फिलहाल में हुई रानी एलिजाबेथ की मौत और ब्रेक्जिट के बाद खराब होती हुई ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति। लिज ट्रस ने 6 सितंबर को प्रधानमंत्री का पद संभाला था और 20 अक्टूबर को महज 45 दिनों में उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। आखिर क्या हुआ कि लिज को इतनी जल्द इस्तीफा देना पड़ा? इसका उत्तर शैडो कैबिनेट में मिलेगा। ब्रिटेन में ये पार्लियामेंट का एक कॉन्सेप्ट है जहां सत्ता में बैठे मंत्रिमंडल पे अंकुश रखने के लिए अपोजिशन पार्टी खुद ही अलग मंत्रिमंडल बनाती है, जिसके तहत हर एक सरकारी खाते के मंत्री पर अंकुश रखने के लिए शैडो कैबिनेट का एक मंत्री नियुक्त किया जाता है जो सवाल पूछ के उस मंत्री को नियंत्रित करता है। लिज ट्रस ने आर्थिक नीति में टैक्स कटौती करने का निर्णय लिया था। शैडो कैबिनेट ने इसका जम के विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ टॉप 1% अमीर लोगों के लिए निर्णय लिया गया था। उसकी वजह से लिज के मंत्रिमंडल से उनके अर्थ मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और उसी दौरान ब्रिटेन के शेयर मार्केट में भी गिरावट हो गई, जिसका असर ब्रिटिश पाउंड में भी हुआ जो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 37 वर्षों के बाद भारी कमजोर हो गया और इन्फ्लेशन में और बढ़ोतरी हो गई। इन सब को देख लिज ने नया अर्थमंत्री का चयन किया, पर तब तक देर हो चुकी थी। ब्रेक्जिट के बाद खराब हुई आर्थिक स्थिति को लिज के आर्थिक नीतियों ने और बिगाड़ दिया और शैडो कैबिनेट ने इस मुद्दे पे लिज सरकार को घेर लिया और लिज को इन सब के बीच कोई रास्ता न दिखाई दिया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखा शैडो कैबिनेट को, जो पावर में न होते हुए भी सरकार को अकाउंटेबल बनाता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।